गरियाबाद में बिजली विभाग ने बिजली बिल वसूली के लिए रुख सख्त अख्तियार कर रखा है। दरअसल 20 करोड़ से ज्यादा बकाए के लिए अब बिजली विभाग लोगों के विद्युत कनेक्शन को काट रहा है। छत्तीसगढ़ में बिजली गुल होने की खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। लोग बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन गरियाबंद में बिजली विभाग ने जो खुलासा किया है उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। दरअसल गरियाबंद में कई लोगों ने 2 साल से बिजली का बिल ही जमा नहीं किया है, जिसके चलते लोगों पर बिजली विभाग का 20 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है। हैरानी की बात तो यह है कि आम लोगों के साथ साथ सरकारी विभाग भी इसमें पीछे नहीं है। बिजली विभाग के मुताबिक सरकारी विभाग पर 7 करोड़ रुपए और आम उपभोक्ताओं पर 13 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसके बाद अब विभाग ने बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। गरियाबंद विद्युत संभाग में लगभग 20 करोड़ रुपया बकाया है, इसमें करीब 7 करोड़ रुपया सरकारी विभागों का है और 13 करोड़ रुपया गैर सरकारी विभागों का। उन्हें नोटिस भी दी जा रही है, लाइन भी काटे जा रहे हैं। दरअसल बिजली ना आने के मामले को लेकर तो आपने उपभोक्ताओं को रोते देखा है, लेकिन इस बार 20 करोड़ से ज्यादा का बकाया होने से अब बिजली विभाग रो रहा है, क्योंकि उसे व्यवस्थाओं को सुचारित रखने के लिए फंड की आवश्यकता है। ऐसे में आम जन ही अगर बिजली विभाग का सहयोग नहीं करेंगे तो वो व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू कर पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि अब लोग कब आगे आते हैं और अपने बकाए बिल भरते हैं। वीडियो एनलिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।